सो फ्रेंड, जैसा कि आप सभी को पता है कि YouTube पर जो कि शॉर्ट्स वीडियो है काफ़ी वायरल चल रहा है और काफ़ी ट्रेंड में भी है। तो दोस्तों, आजकल YouTube पर वीडियोस की जगह पब्लिक जो है शॉर्ट्स वीडियो डालना काफ़ी पसंद कर रही है। तो इसलिए दोस्तों, अगर आप शॉर्ट वीडियो डालते हैं या क्रिएट कर रहे हैं तो उस पर आपको व्यूज़ भी ज़्यादा मिल रहा है और सब्सक्राइब भी आपको बहुत जल्दी इंक्रीज़ हो रहा है। तो दोस्तों, अगर आपको भी अपने यूट्यूब पर सब्सक्राइबर या वॉच टाइम इंक्रीज़ करना है या आपको ज़्यादा व्यूज़ चाहिए, तो शॉर्ट वीडियो आप भी अपने पुराने वीडियो से या पुराने किसी भी YouTube के वीडियो को डाउनलोड करके आप उसे शॉर्ट्स में कन्वर्ट करते हैं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि आप किस प्रकार से अपने किसी भी टेक्निकल ब्लॉगिंग या कॉमेडी, कोई से भी आपके पास पुरानी वीडियो है, उसमें से आप कटिंग करके शॉर्ट्स में कैसे कन्वर्ट करें और कैसे उस शॉर्ट्स को अपलोड करें। तो चलिए चलते हैं अपने मोबाइल के स्क्रीन पर और आप अपने मोबाइल पर किसी भी एडिटर, जैसे कि मैं काइन मास्टर से वीडियो को एडिटिंग करता हूँ, आप किसी भी ऐप से जो भी आप यूज़ करते हैं आप उससे एडिटिंग करते हैं। तो दोस्तों, मैं तो काइन मास्टर से करता हूँ, मैं काइन मास्टर में आपको करके दिखाऊंगा। तो चलते हैं अपने मोबाइल के स्क्रीन पे और देखते हैं कि आप किस प्रकार से इस प्रोसेस को करेंगे और कैसे अपने शॉर्ट वीडियो को कटिंग करके और उसे अपलोड करेंगे। तो चलिए चलते हैं अपने मोबाइल के स्क्रीन पे। इससे पहले फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि ऐसी वीडियो आपको बार बार देखने के लिए नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए चलते हैं अपने मोबाइल के मोबाइल की स्क्रीन पे और मैंने अपना काइन मास्टर ओपन कर लिया है। आपके पास जो भी एडिटर है जिससे आप अपनी वीडियोस को एडिट करते हैं, आप उससे भी जो भी शॉर्ट वीडियो है उसको आप ऐड करते हैं। तो मैं काइन मास्टर से करता हूं, तो मैं काइन मास्टर से आपको करके दिखाता हूं। तो सबसे पहले हम जो प्लस आइकन का जो सिंबल है उसे हम क्लिक करेंगे। हमारे पास दोस्तों यहाँ पर 3:16 और एक है 9:16 और एक है 1:1। तो दोस्तों, 16:9 का जो रेशियो होता है वो होता है यूट्यूब पे वीडियोस के लिए, और जो हमारे पास 9:16 का होता है वो होता है हमारे शॉर्ट्स वीडियो के लिए। क्योंकि आप जो फ्रेंड देखते होंगे, जब भी शॉर्ट्स वीडियो हम लोग बनाते हैं तो जो मोबाइल वर्टिकल होता है, या मतलब जो मोबाइल को खड़ा करके सीधा करके शॉर्ट्स बनाते हैं, तो वर्टिकल के लिए जो 9:16 है हम इसको चूज़ करेंगे। और बाकी जो ये 1:1 है, यह फेसबुक इंस्टाग्राम के लिए होता है। तो दोस्तों, हमें शॉर्ट्स वीडियो को ऐड करना है और अपने पुराने जो लेंथी वीडियो है, जो लंबी वीडियो है, उसमें से हमें शॉर्ट्स कटिंग करना है, तो हमें 9:16 का रेशियो लेना पड़ेगा। तो हम इसमें सेलेक्ट कर लेते हैं और मैं अपने पुराने वीडियो को यहाँ पे ओपन कर लेता हूँ। सेलेक्ट करने के बाद में दोस्तों, हमेशा ध्यान रखना कि जब भी आप शॉर्ट्स को अपलोड करते हैं तो वो मिनिमम 1 मिनट से कम की होनी चाहिए। 1 मिनट से अगर ज़्यादा की आप वीडियो को लेते हैं तो वो ऑटोमेटिकली वीडियो में कन्वर्ट हो जाएगा, वो शॉर्ट्स नहीं कहलाएगा। फिर 1 मिनट से हम कम में इसे ले लेते हैं, जैसे कि मैं ले लेता हूँ 55 सेकंड की, मैं वीडियो को सेलेक्ट कर लेता हूँ। इसको सेलेक्ट करने के बाद में जो बाकी की जो बची वीडियो है उसको हम यहाँ से डिलीट कर देंगे। तो हमारी जो शॉर्ट्स वीडियो है इसमें सेलेक्ट हो गई है। अब इसको हम क्या करेंगे, ये जो भी इसमें रेशियो दिया हुआ वो यूट्यूब का है, तो हम इसे शॉर्ट्स में कन्वर्ट करना है। तो हम यहाँ से क्रॉप करेंगे इसको, और क्रॉप करने के बाद में इक्वल पर हम सेलेक्ट करके और इसको हमें स्ट्रेच करके बड़ा कर लेना है, ताकि ये शॉर्ट्स की तरह दिखने में लगे कि हाँ ये शॉर्ट्स वीडियो है। और इसको हमें इस तरह से स्ट्रेच करके 9:16 के रेशियो में इसे हम सेलेक्ट कर लेते हैं। दोस्तों, ये आपका जो शॉर्ट्स है वो तैयार हो गया है। अगर इसमें आपको कुछ एफेक्ट्स देना है, आपको कुछ इफेक्ट देना है, तो वो यहाँ से करते हैं। आपको उसे सेलेक्ट करना है वीडियो के लाइन को, और वीडियो के लाइन को सेलेक्ट करने के बाद में वीडियो की स्पीड जो होती है उसको तेज़ या कम करते हैं, और फिर से इस पर सेलेक्ट करेंगे। यहाँ से आप इसे कलर फिल्टर भी करते हैं, जैसे कि मेरे पास इसमें बेसिक, वार्म, कोल्ड, काफ़ी सारे इसमें कलर दिए हुए हैं। आप यहां से अपने हिसाब से कलर चेंज कर सकते हैं, वीडियो में अच्छी इफेक्ट आ सके और काफ़ी ज़्यादा वीडियो कूल लग सके देखने में। इसमें और भी दोस्तों, इसमें बहुत सारे फंक्शन हैं, जैसे कि आप इसमें कलर का एडजस्टमेंट भी करते हैं, जैसे इसमें ब्राइटनेस है कम या ज़्यादा करते हैं, या कॉन्ट्रास्ट लेवल को आप कम ज़्यादा करते हैं, या सैचुरेशन हो गया, वाइब्रेशंस हो गया, और ये टेम्परेचर हो गया। इन सब के हेल्प से आप अपनी वीडियो को काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड बना सकते हैं। इसके बाद आता है दोस्तों वॉइस को चेंज करने का। यहाँ पे आप अपने हिसाब से वॉइस को चेंज भी कर सकते हैं दोस्तों। इसमें AM रेडियो है, बास बूस्टर है, इसके अलग अलग हिसाब से दोस्तों अपने वॉइस में चेंजेस ला सकते हैं। जैसे अगर आपको कार्टून अपनी आवाज़ को वॉइस में चेंज करना है, भी इसमें चेंज कर सकते हैं। इसमें दोस्तों बहुत सारे फंक्शन होते हैं काइन मास्टर में, जिससे कि आप अपने शॉर्ट्स वीडियो को काफ़ी ज़्यादा बेहतर और इंटरेस्टिंग बना सकते हैं। और ये आपका विंटेज है दोस्तों, ये इस तरह से आपके जो सर्कल होते हैं चारों तरफ से वो ब्लैक हो जाते हैं, ताकि वीडियो है वो बीच में काफ़ी अच्छा इन्हेंस हो सके। और दोस्तों, इसमें ऐसा कुछ नहीं है, इसमें आप अपने वीडियो की आवाज़ को कम या तेज़ भी कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैंने बता दिया कि आप किस प्रकार से अपने शॉर्ट्स वीडियो को कटिंग करते हैं किसी भी लॉन्ग वीडियो से। तो फ्रेंड्स, इतनी सब सेटिंग करने के बाद में आप अपने शॉर्ट्स को यहाँ से एक्सपोर्ट करते हैं, और यहाँ पे आपका फुल HD, 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 480, 360p
वीडियो की क्लैरिटी होती है उसको कम ज़्यादा करने की होती है। अगर आपको फुल एचडी चाहिए तो आपको फुल एचडी में आप इसे एक्सपोर्ट करते हैं, या आपको एचडी चाहिए तो एचडी में आप इसे एक्सपोर्ट करते हैं। हमें जैसे फुल एचडी चाहिए तो हमें एफएचडी 180 करना है इसे और यहाँ से इसे एक्सपोर्ट कर देना है। तो दोस्तों इस तरह से आप अपने किसी भी पुराने वीडियो से शॉर्ट्स वीडियो क्रिएट करते हैं, वो भी बहुत ही कम समय में, वो भी काइन मास्टर के ऐप से। सो फ्रेंड, जैसे कि आप लोगों को पता चल गया कि आप किस प्रकार से अपने पुराने वीडियो को शॉर्ट्स में कन्वर्ट करते हैं और कैसे उसे अपलोड करते हैं, तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो काफ़ी अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो हमें सब्सक्राइब जरूर कीजिए और हमें कमेंट जरूर कीजिए, ताकि हमें पता चलता रहे कि आप लोग हमें कितना सपोर्ट कर रहे हैं और कितना हमें हमारी वीडियो को लाइक कर रहे हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।